हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अनबैलेंस सिस्टम ब्रिज के एग्जांपल किए थे, ठीक है। वो एग्जांपल आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। मीटर ब्रिज आप देख रहे हैं, देखिए ये पहली डायग्राम, ये क्या है मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें मीटर स्केल यूज होती है। ये है मीटर ब्रिज, एक मीटर का ब्रिज मतलब मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका यूज कहां होता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। वेयर मीटर ब्रिज यूज? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ओके। एंड सम टाइम फ्रॉम रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर, ओके। और ये प्रिंसिपल किसका यूज करता है, मतलब कि कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? तो वो वर्क करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज एक थियरी है और उसका प्रैक्टिकल जो फॉर्म है वो है मीटर ब्रिज, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जो मैंने साइड में ड्रॉ करके रखा है ना, ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, ओके। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अच्छे तरीके से पता है तो मीटर ब्रिज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको पहले इसके सिमिलरिटी के बारे में बोल देता हूँ, ताकि आपको अच्छा रहे समझने के लिए। ये जो R है और ये R1 है, ये जो S है और ये है R3, ये जो आपको D दिख रहा है ना, ये D क्या है? ये है जॉकी, इट इज अ जॉकी, ठीक है। जॉकी किस टाइप की होती है? देखिए, उसको पॉइंटेड एंड वाली होती है ऐसी, और जो वायर पे हम उसको क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, ठीक है। और उसका जो एक एंड है जो आप देख रहे हो, वो किसके साथ कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर के साथ, देख रहे हो ना। अच्छा, देखिए यहाँ पर भी एक गैल्वेनोमीटर के साथ एंड कनेक्टेड है, ओके। फिर ये ए और डी के बीच में ये जो इतना रेजिस्टेंस बन गया ना, इतना, ठीक है, वो बन गया R2। R2 मतलब कौन? देखिए ये, ठीक है। और ये डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस बन गया, वो बन गया R4। R4 मतलब कौन? तो देखिए ये, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था When IG equal to 0 ampere, IG equal to 0 ampere, मतलब कि करंट जब गैल्वेनोमीटर में से जब कोई करंट नहीं जाए, तो उस टाइम पर हम क्या लगा सकते हैं? R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, ठीक, समझ में आया? ऐसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में डिस्कस किया था। आइए अब मीटर ब्रिज की ओर चलते हैं। ये जो वायर दिख रहा है ना आपको, ये वायर, ये मेटालिक वायर होता है, सॉरी मेटालिक वायर नहीं, निक्रम वायर होता है, एलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हम किसको स्लाइड करेंगे? जॉकी को। जब हम जॉकी को यहाँ पर पॉइंट करेंगे, उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग बताएगा, और जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तब गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में रीडिंग बताएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जब हम ए से सी के ओर स्लाइड करते हुए जाएंगे, उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर किसी एक पॉइंट पर जीरो रीडिंग बताएगा। जीरो जीरो रीडिंग बताएगा मतलब कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। किस में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है? गैल्वेनोमीटर में से। और ये जो है ना, ये है मेटालिक कॉन्टेक्ट, मेटालिक कॉन्टेक्ट। और ये ठीक क्यों है? क्योंकि ठीक होने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो फिर जब हम यहाँ ए पर कांटेक्ट किया, सबसे पहले हमने जॉकी का, ठीक है, फिर हम किस्ते किस्ते चले गए, और डी पर जब आए तब हमें पता चला कि गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन मिला हमें? जीरो। तो हम जैसे कि यहाँ पर मैंने R1 = R लिखा है, तो हम यहाँ पर R/ ये जो ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस है ना, आपको पता है R = rho l / A,
तो रो इंटू एल वन मल्टीप्लाई सॉरी, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर एस, एस मतलब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो हमें पता है, अपॉन रो इंटू, अब लेंथ कितनी हो गई 100 माइनस एल वन, और ये एरिया ए। ठीक है, तो देखिए ये ए कट हो गया, ये रो रो कट हो गया। सो व्हाट वी कैन राइट आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन 100 माइनस एल वन। 100 माइनस एल वन क्यों? क्योंकि लेंथ पूरी कितनी है 1 मीटर की, तो एक साइड से अगर एल वन लेंथ आएगी तो दूसरी साइड से तो 100 माइनस एल वन ही आएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह देखिए हमें एल वन एक बार पता चल गया और एस तो हमें पता ही है, सो इजीली वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसका काम है? मीटर ब्रिज का। आइए इसके ऊपर का एक सम सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता चले। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो कहने का मतलब है कि एल वन इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया है, 33.7 सेंटीमीटर। बच्चों मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगा, जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारा चीज बोल दूंगा कि क्या क्या करना है, एंड श्योरली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी क्या दिया है, देखिए एल वन इज इक्वल टू 33.7 मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस, ये 3.27 डायग्राम है ना, वो जो ऊपर हमने डिस्कस की ना वही है। तो आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू एल वन क्या था, 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7। ठीक है, तो ये हमें मिला 33.7, और 100 में से 33 जाएंगे तो कितना बचेगा 37, तो ये 66.3 हो जाएगा। ठीक है, सोचिए इसको इक्वेशन नंबर वन। अभी क्या दिया है, इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम कनेक्टेड पैरेलल विथ एस, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है कितना 12 ओम। बच्चों ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से जो ये रेजिस्टेंस पूरा है ना वो कम हो जाएगा, जिससे ये शिफ्ट थोड़ी इधर हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, अगर आर और एस अगर सेम है तो ये जो है नल पॉइंट हमें 50 सेंटीमीटर पर मिलेगा। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक यही है कि आप 50 सेंटीमीटर पर पुट करके बाद में आगे चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए पैरेलल में रहने से नया एस डैश हमें क्या मिलेगा, 12 × s / 12 + s। ठीक है, अब हमें जो ये नल पॉइंट दूसरा जो मिला वो कितने डिस्टेंस पे मिला, 51.9। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू 51.9 अपॉन 100 माइनस 51.9 लिख सकते हैं। देयरफॉर आर अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू 51.9, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 50 तो 49, तो 48.1। ठीक, अभी एस डैश की वैल्यू क्या है, 12s / 12 + s, लेकिन ये तो एस डैश तो डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या लिखना होगा, आर इंटू ऊपर में लिखूंगा 12 + s। ठीक है, और नीचे लिख दूंगा 12s, तो उसको s × 12 ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और हमें क्या मिला, 51.9 / 48.1। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा बच्चों, मैंने क्या बोला ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अभी देखिए ये हमें r अपॉन s जो मिला, हमें r और s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। r अपॉन s इक्वेशन वन से मिला ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा रखता हूँ 33.7 / 66.3 इंटू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 12 + s, और नीचे क्या मिलेगा, 12 इज इक्वल्स टू 51.9 / 48.1। तो इससे आप s कैलकुलेट कर सकते हो, और एक बार s मिल गया
तो इक्वेशन वन में s की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करोगे सो इजीली यू कैन कैलकुलेट r, ठीक है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक। अब आइए डिस्कस करते हैं किसके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो 2 या 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर। ओके, मीटर विच मेजर्स पोटेंशियल, मीटर जो क्या मेजर करेगा पोटेंशियल, उसको क्या बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, एक सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है एप्सिलॉन, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। ओके, आई वांट टू मेजर ईएमएफ ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। अभी देखिए, इसमें से करंट ऐसे जाएगा, अच्छी तरीके से देखना, हाँ, करंट कितना जाएगा आई। ओके, अब ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाता है, ठीक। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर ए, और दूसरा पॉइंट लेता हूँ बी, तो मैं क्या बोलूँगा कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू क्या होगी, वी ए माइनस वी बी, इतनी रीडिंग होगी, ठीक है। अब देखिए, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी एप्सिलॉन ए। तो अभी देखिए, ए से अगर हम चले तो वी ए, ठीक है, यहां से मतलब कि ए से बी चले, सॉरी, ये जो लूप मैंने पूरी ले ली उसकी जगह पर मैं सिर्फ अगर इतनी इतना लूप, हर बार लूप ले ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर लूप ना ले तो भी चलेगा, इन ए एप्सिलॉन बी। तो देखिए, मैं वी ए लिखूंगा, मैं ऐसे जा रहा हूं, हाँ, ऐसे, ठीक है। तो पहले वी ए लिखूंगा, फिर करंट है मेरे सामने आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेल आया, तो सेल का पहला पॉजिटिव और सेकंड टर्मिनल नेगेटिव, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस एप्सिलॉन, अच्छी तरीके से समझना। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है लेकिन करंट सामने से आ रहा है, तो प्लस आई आर, ठीक है, और बी के पास पहुंच गया, इज इक्वल टू क्या बोलोगा मैं, वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू क्या मिला, एप्सिलॉन माइनस आई आर, ठीक है। और रीडिंग ऑफ वोल्ट में क्या कर रहा हूं, ईएमएफ मेजर कर रहा हूं, तो ईएमएफ मेजर कितना होना चाहिए, राइट रीडिंग, राइट रीडिंग शुड बी एप्सिलॉन, राइट रीडिंग तो एप्सिलॉन होनी चाहिए, लेकिन हमें कितनी रीडिंग मिली, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया, देयरफॉर वी कांट मेजर, वी कांट मेजर एक्चुअल ईएमएफ ऑफ
सेल विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। समझ में आ रहा है? एक्चुअल हम अगर ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं वोल्ट मीटर से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वोल्ट मीटर तो कितना मेजर कर रहा है, देखिए एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन माइनस आई आर। अच्छा मैं अगर आपको ऐसा बोलूं, आप कर सकते हो सर, अगर ऐसी ट्रिक करे तो, इफ आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आप बोलोगे सर करंट अगर जीरो कर दे तो क्या होगा, तो V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी I इक्वल टू जीरो को हम बोलेंगे ओपन सर्किट कंडीशन। क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो अगर ओपन सर्किट कंडीशन क्रिएट हो जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये जो वोल्टेज मेजर हुआ वो कितना होगा, एप्सिलॉन के जितना होगा। लेकिन अगर ओपन सर्किट करेंगे तो वोल्ट मीटर में से करंट पास नहीं होगा, वोल्ट मीटर में से करंट पास नहीं होगा तो वो तो बेचारा रीडिंग कैसे दिखाएगा, वो करंट के ऊपर थोड़ा चलता है लेकिन करंट तो उसमें पास नहीं होगा, तो करे क्या? मतलब एक्चुअल अगर हमें मेजर करना है तो करंट जीरो करना है, अगर करंट जीरो कर दिया तो वोल्ट मीटर वर्क नहीं करेगा। और एक दूसरी बात कि अगर वोल्ट मीटर को वर्क करना है तो करंट पास होना चाहिए, और अगर करंट पास हुआ तो हमें इतना रीडिंग मिलेगा जो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोचे कि एक्चुअल में ईएमएफ है 10 और करंट है 1 मिली एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ 2 ओम, तो 1 मिली एम्पियर इंटू 2 करेंगे तो 0.02 आएगा, तो 0.02 में से 10 को, मतलब 10 में से 0.02 को माइनस करना पड़ेगा, तो सही तो हमें आंसर नहीं मिला ना। तो अब क्या करें, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है विच मेजर्स एक्चुअल ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल बाय क्रिएटिंग ओसी कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो पोटेंशियोमीटर का इन्वेंशन ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम हुआ इसीलिए किसका इन्वेंशन हुआ, पोटेंशियोमीटर का। आइए देखते हैं पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, ठीक है। देखिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, ठीक। अभी एक है उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, ओके। फिर यहां पर है रिहोस्टेट, ठीक, ओके। और ये पॉइंट है ए और ए पॉइंट है बी। आप बस देखते जाइए मेरे साथ, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, ओके। अब ये जो मैंने जो ब्लू जो ड्रॉ किया ना, ये मेरा ड्रॉ करने वाला जो वायर है, ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर। कौन सा वायर है? पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अभी पहले प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसका यूज करेंगे प्रिंसिपल। तो ये ए है, अच्छा देखिए ये सारे सीरीज में है कि नहीं, तो करंट इसमें से अगर आई जाएगा तो यहां भी करंट कितना जाएगा, आई, यहां भी आई, यहां आई 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 आई, और वापस कितना करंट आ जाएगा, आई। तो ए ए है और ये मैं पॉइंट ले लेता हूं
कोई डी जिसके बीच में डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, तो मतलब कि पोटेंशियल वायर की कितनी लेंथ लेनी मैंने, एक्स। तो अगर हम वी ए माइनस वी डी जानना चाहे, मतलब कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो वो कितना होगा, आई इंटू इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस सोचते हैं आर डैश, ठीक है। तो आई इंटू आर डैश कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक, रो एक्स बाय ए। एक्स क्यों, क्योंकि लेंथ हमने कितनी ली, एक्स ही ली ना। तो ये जो वी ए माइनस वी डी जो पोटेंशियल है इज इक्वल्स टू आई रो बाय ए इंटू एक्स। अभी ये आई रो, देखो मैं ये डी पॉइंट लू या यहाँ पे पॉइंट पॉइंट यहाँ पे, तो सिर्फ एक्स चेंज होगा, करंट में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना ही रेजिस्टिविटी मटेरियल मटेरियल में कोई चेंज आ रहा है, ना ही यूनिफॉर्म वायर है, ये निक्रोम वायर है, ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलो इतना समझ में आ गया। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई इज वी इज इक्वल्स टू फाई एक्स। एक्स क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है प्रिंसिपल। अब इसके दो यूज जो हमारे सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूज नंबर वन, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ सेल, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, और जो मैं बोलता हूं ना बच्चों, पहले मैं बोलूंगा, वो बोल लिखूंगा नहीं, वो आपको क्या करना है, अपनी बुक में लिखते जाना है। तो ये जो हमने पहले ड्रॉ किया था वही ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसलिए मैंने ड्रॉ किया। फिर हम रिहोस्टेट इसे लगाते हैं ताकि करंट में कोई खराबी ना आए, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा करंट ना हो जाए। फिर ये पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है, ओके। और ए और बी के बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर। बोलोगे सर ये ऐसा टेढ़ा टेढ़ा ऐसा आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि इसकी लेंथ 2 to 3 मीटर होती है, अगर 1 मीटर होती तो मीटर ब्रिज की तरह मैं कब का उसको सीधा ड्रॉ कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, लेंथ बड़ी है इसीलिए थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, दूसरा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं दो सेल ड्रॉ कर रहा हूं, कितने, दो, आपको दिख रहे हैं, दोनों सेल के साथ क्या करें कर रहा हूं कि, ठीक है, फिर उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ कनेक्ट करूँगा मैं जॉकी। पहला जो सेल है उसका ईएमएफ एप्सिलॉन वन, दूसरा सेल है उसका ईएमएफ एप्सिलॉन टू। चलो ठीक है, अगर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है भी, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझ में आया। और जॉकी को मैं ए से बी के बीच में स्लाइड करूंगा, सोचो मैं स्लाइड कर रहा था और सडनली N1 पॉइंट पे जब मैं आया, N1 पॉइंट पे, उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो किए, ठीक है, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे कि K1 को क्लोज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, क्लोज की K1, क्लोज की K1, ठीक है। सेकंड, व्हाट वी गॉट नल पॉइंट
वी गॉट नल पॉइंट एट एन वन, ठीक है, जिसका यहां से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस पूरा है एल वन, कितना है डिस्टेंस एल वन, ठीक है। आइए एक काम करते हैं, इन लूप क्या करते हैं, देखिए यहां से तो करंट पास हो नहीं रहा, तो करंट यहां से गया, ठीक है, यहां से करंट पास हो नहीं रहा तो ये जो पूरा करंट है वो यहां से ही चला गया, सही बात है ना, यहां से ही चला गया होगा, ऐसे यहां से भी करंट तो पास नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अभी जीरो डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब बाहर की जो सर्किटरी है वो इस पहली जो हमारी ओरिजिनल सर्किटरी थी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे रहा है। तो मैं अगर लूप लू, ठीक है, ए एप्सिलॉन वन, बाद में गैल्वेनोमीटर, बाद में एन वन और वापिस ए, ठीक है, तो अप्लाइंग केवीएल वी गेट, अच्छी तरीके से देखना, वी ए फिर ये पहला जो सेल आया हमारे पास उसमें हम माइनस एप्सिलॉन वन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं और सेल में सेकंड टर्मिनल नेगेटिव आया इसलिए, फिर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, फिर एन वन, ठीक है, एन वन से लेके ये जो है एन वन, तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं कि माइनस वी एन वन, ठीक है, तो देखिए, और ये जो है एन वन से जब हम ए की ओर जाएंगे, बच्चों किसकी ओर जाएंगे, ए की ओर, तब करंट हमारे सामने से आ रहा है और सोचिए कि इसका रेजिस्टेंस है आर डैश, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्या करना पड़ेगा, प्लस, अच्छी तरीके से देखना, हा? अच्छा मैं अगर वी एन वन को भी बीच में से ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो मेन जो चाहिए वो डायरेक्टली मिल सकता है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस, कितना करंट जा रहा है आई, और ये रेजिस्टेंस कितना है आर डैश, और हम पहुंच गए वी ए की ओर, ठीक है, तो वी ए कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी कैन राइट, एप्सिलॉन वन इज इक्वल्स टू आई आर डैश, ठीक, और आई आर डैश मतलब क्या, कि आई ये रो एल वन बाय ए, इतना बोल सकते हैं, ओके, सिमिलरली व्हेन की के टू इज क्लोज्ड, के टू का मतलब कौन सी की, देखिए सॉरी ये की, इसको क्लोज करेंगे और इसको ओपन कर देंगे, तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन नल पॉइंट कहीं और जगह मिलेगा एन टू, और वो जो लेंथ होगी वो पूरी लेंथ होगी एल टू, कितनी लेंथ होगी एल टू, अब ये हर बार ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एल टू बड़ी ही हो और एल वन छोटी ही हो, ठीक है, तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन टू इज इक्वल्स टू I रो L2 by A, ठीक है, बाहर की सर्किट तो इसको कोई हैरान नहीं कर रही है, ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू, तो अगर हम वन अपॉन टू करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू, तो बाकी की सारी चीज कैंसिल हो रही है, सो व्हाट वी विल गेट, L1 अपॉन L2, ठीक है, तो मतलब क्या है कि लेंथ जितनी मिली उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जिसकी लेंथ ज्यादा उसका ईएमएफ ज्यादा, जिसकी लेंथ कम उसका ईएमएफ कम, और अगर हमें इन दोनों सेल में से किसी एक का भी अगर हमें ईएमएफ पता है तो दूसरे का हम इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना,
ये जो ईएमएफ है, ये ड्राइविंग सेल, ये बड़ा होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू से, ताकि सर्किट अच्छी तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये हमने पहला हमारा जो यूज है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ये डिस्कस किया। अब दूसरा यूज डिस्कस करते हैं। यूज टू, टू कैलक्यूलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू कैलक्यूलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए फिर से वही सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये पहला सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया रिओस्टेट। ठीक, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, और ए और बी के बीच में हम वायर फिट करेंगे। किसका वायर है? निक्रोम का। कितना लंबा है? 3 to 4 meter, इसीलिए तो मैं ऐसा डेढ़ा डेढ़ा कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन आप देखिए। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम का भी एक मार्क होता है, तो इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ, आपको एक सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, इसका सोचिए ईएमएफ एप्सिलॉन वन है और इसका एप्सिलॉन है। ठीक है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर, जिसके साथ एक की होगी, और उनको गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन किया होगा, जिसको चौकी के साथ ज्वाइन किया होगा, और जॉकी को ए और बी के बीच में स्लाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी ये की के है, तो पहला हमारा स्टेप, व्हेन की के इज ओपन। की के क्या है? ओपन है। ठीक है, वी गेट नल पॉइंट एट N1, हमें नल पॉइंट किस कहाँ मिला? N1। तो देखिए, जब की के ओपन थी उस टाइम पर करंट तो इसमें से, इस सेल में से ही जा रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इस सर्किट में, मतलब कि ये पहली कंडीशन है केस वन, उसमें सीएल में से करंट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें लेंथ मिली ना, ये हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एप्सिलॉन वन, सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई इंटू रो L1/A, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल में से भी करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि की कनेक्ट की नहीं थी, इसीलिए वो सेल और गैल्वेनोमीटर दोनों सीरीज में है, और अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है तो सीधी बात है, सेल में से भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस नंबर टू, व्हेन की के इज क्लोज। ठीक है, अब की के को क्या किया गया? क्लोज। ओके, और हमें क्या मिला? वी गेट नल पॉइंट एट N2। अब हमें नल पॉइंट कहीं N2 पर मिला, इस पॉइंट पर। तो अब देखिए, जब की के को क्लोज किया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है, ये पूरी एप्सिलॉन वाले, मैं थोड़ा इसको बीच में लाता हूँ, आर और ये की के और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये सारी सर्किट अब वर्क करने लगी। नल पॉइंट हुआ,
इसका मतलब यहाँ पर करंट कितना है, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से करंट कितना जा रहा है, जीरो। तो इसका अपना करंट यहाँ चल रहा है, इस सर्किट का अपना, जो इस करके सर्किट के मेन करंट को, जिसका हम नाम देंगे, चलो आई डैश दे देता हूँ, आई डैश, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेल में से तो करंट जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, देखिए सेल में से करंट इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, अब यहां पर सेल का ईएमएफ नहीं आएगा किसका, देखिए मैं क्या आपको बोलता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि जब ये की के कनेक्ट नहीं की थी उस टाइम पर सिर्फ ये सेल ही था जिसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन, ठीक है, और जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एप्सिलॉन इज इक्वल टू L1 वाला लिख दिया। लेकिन दूसरी बार जब हमें नल पॉइंट मिला जिसकी लेंथ कितनी है, L2, ठीक है, उस टाइम पर क्या सेल में से करंट नहीं जा रहा था, जा ही रहा था, इसीलिए हम उस टाइम पर ऐसा नहीं लिखेंगे, उस टाइम पर हम ऐसा लिखेंगे एप्सिलॉन माइनस आयर। क्यों, देखिए वो मैं सर्किट यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये बाहर वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ होगा, ठीक है। तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे आई, ठीक है, तो ये है ए और ये है बी, ठीक है, तो वी बी माइनस आई आर प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू वी ए, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी हो गया। सो अच्छा, ये एग्जाम्पल भी हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा पहले नीचे ले लेता हूँ इस एग्जाम्पल को, ओके। सो आप मेरे साथ ही रहना, अच्छा अभी हमने क्या देखा, मैं ये सर्किट ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर वी बी माइनस वी है, मतलब कि वी इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा, एप्सिलॉन माइनस आई है, मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन माइनस आई है, इसीलिए हमें ऐसा लिखना पड़ा, और इज इक्वल्स टू आई डैश रो L2 बाय ए, ठीक। अभी इस इक्वेशन को मैं क्या नाम देता हूँ, वन, और इस इक्वेशन को नाम क्या देता हूँ, टू। देखिए जब नल पॉइंट आता है तब इस वायर का और इस वायर, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, जब पहले नल पॉइंट आया तब इसका ईएमएफ एप्सिलॉन ही था क्योंकि करंट नहीं जा रहा था, लेकिन जब दूसरी बार नल पॉइंट आ रहा था तब उसमें सर्किट में से करंट जा रहा था, इसलिए उसका ईएमएफ सिर्फ एप्सिलॉन नहीं था, एप्सिलॉन माइनस आईआर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ठीक, इसलिए मैंने एप्सिलॉन माइनस आईआर लिखा। अभी 1/2 करें तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन माइनस आई आर इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें से आई डैश रो रो ये सब कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट, L1/L2, ठीक। अभी आई क्या है, हियर हियर आई इज इक्वल टू EMF/R+R, अब बोलोगे सर आप ये कहाँ से लाए, तो ये अगर पूरा में देखें इस पूरी सर्किट में तो वोल्टेज सोर्स कितना है एप्सिलॉन, और आर सीरीज में है कि नहीं, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R+R/εप्सिलॉन, सॉरी εअपॉन या पूरा रेजिस्टेंस, बस वही हमने यूज किया, तो देखिए εअपॉन εμ I की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, εअपॉन R+R
इंटू आर इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू। तो यहाँ पर ये और ये कट हो गया है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप देखिए अच्छी तरीके से, वन अपॉन आर प्लस आर, मैंने एलसीएम ही लिया है, माइनस आर और ऊपर आर प्लस आर चला जाएगा इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू। तो ये आर और ये आर कट हो गए। सो व्हाट वी विल गेट, आर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू। तो ये आर अपॉन आर वन प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू। देयरफॉर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस विच वी कनेक्टेड एक्सटर्नली इंटू फर्स्ट लेंथ अपॉन सेकंड लेंथ माइनस वन। समझ में आया? याद रखना पहली लेंथ हमेशा बड़ी होगी और दूसरी लेंथ छोटी होगी। मैंने भले ही ऐसा ड्रॉ किया है लेकिन ऐसा होगा क्यों उसका भी रीजन बोलता हूँ। चलिए, जब पहले था तब एप्सिलॉन था सिर्फ, और जब बाद में किया तब एप्सिलॉन माइनस आया, तो पोटेंशियल कम हो गया ना, तो इसके हिसाब से लेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हम पोटेंशियोमीटर के दोनों यूज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर, दिख रहा है आर। हाँ, द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर जीरो। ये पूरा जो है ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, फिर क्या है, द वोल्टेज वी सप्लाई टू द पोटेंशियोमीटर, कितना वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है वी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज फाइंड करना है, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज इन मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जब मिडल में होगा पोटेंशियोमीटर के तब सर्किट कुछ इस तरह बनेगी। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर मिडल में होगा तो इस साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर जीरो बाई टू और इस साइड का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आर जीरो बाई टू। सो द सर्किट विल लुक लाइक दिस। ये क्या है वी, दिस इज आर जीरो बाई टू, दिस इज आर जीरो बाई टू and this is R. Therefore, R dash is equals to R0 by 2 into R divided by R0 by 2 plus R. अभी देखिए, R0 into R और R0 plus 2R, ये मैंने इन दोनों का सॉल्व किया। ठीक है, ओके, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर जीरो बाय टू। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर जीरो इंटू आर डिवाइडेड बाय आर जीरो प्लस टू आर प्लस आर जीरो बाय टू। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या आएगा, इसको टू को इधर भेज देते हैं, तो टू आर जीरो इंटू आर प्लस आर जीरो को इधर भेज देता हूँ, तो आर जीरो स्क्वेयर प्लस टू आर आर जीरो डिवाइडेड बाय टू इंटू आर जीरो प्लस टू आर। ये हमें क्या मिला, आर इक्विवेलेंट, तो टू आर आर जीरो प्लस टू आर आर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, फोर आर आर जीरो प्लस आर जीरो स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय 2 इनटू आर जीरो प्लस 2 आर करंट आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वी आर इक्विवेलेंट तो हम मिल गया 2 इनटू आर जीरो प्लस 2 आर डिवाइडेड बाय 4 आर आर जीरो प्लस आर जीरो स्क्वायर। ठीक है, तो करंट मिल गया। सो वोल्टेज, वोल्टेज जो हमें फाइंड करना है किसके अक्रॉस में फाइंड करना है, देखिए और वोल्टेज भी डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस आर, इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है। अभी बच्चों इसके अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करें या आर जीरो बाई टू के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करें या जो आर डैश है उसके अक्रॉस में फाइंड करें, दोनों सेम ही है, सॉरी तीनों सेम ही है। सो इट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर डैश। तो आई, आई कितना है, टू वी आर जीरो प्लस टू आर अपॉन फोर आर आर जीरो प्लस आर जीरो स्क्वायर इंटू आर डैश। तो आर डैश मैंने ऊपर निकाला है, देखिए आर जीरो आर अपॉन आर जीरो प्लस टू आर। तो ये आर जीरो प्लस टू आर, आर जीरो प्लस टू आर क्या हो गया, कैंसर। सो व्हाट आंसर वी गॉट, टू वी आर जीरो इंटू आर डिवाइड बाय, अच्छा इसमें से आर जीरो कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए तो फोर आर प्लस आर जीरो बचा, चलो एक आर जीरो कैंसर। सो व्हाट आंसर वी गेट, वी डैश इज इक्वल्स टू टू आर अपॉन फोर आर प्लस आर जीरो इंटू वी। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सो हियर टोटल कंसेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंप्लीटेड एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।